हैं चरखी दादरी में, वो ज़्यादातर हमारे यहाँ के नहीं हैं, बाहर से आए हैं। बाहर से जितने भी लोग आए हैं और जिनका हमने टेस्ट किया है, आइसोलेशन में रखे हैं, उनमें से ही ये मरीज हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लोकली कोई आदमी संक्रमित हो गया हो और मरीज हो। आज चार केस आए थे, आज चार केसेस हैं। तो कौन कौन से हैं सर? ये विभिन्न स्थानों से, कोई बताया है मुझे कि भिवानी से है, गुड़गांव से है, कोई जम्मू से है। बाहर से जो लोग आए हैं उनकी टेस्ट करने उपरांत ही पता चला। इस बारे में हमने अपना प्रशासन की टीम गठित की हुई है और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए, इस बारे में भी हम स्टेप्स ले रहे हैं। आज भी मैंने विभिन्न गांव के सरपंचों को बुलाया है यहाँ, सोशल डिस्टेंसिंग भी वहाँ रखी जाएगी ताकि हम लोग गांव तक पहुँचा सकें, क्योंकि गाँव में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसकी गंभीरता को अभी नहीं समझे हैं, बहुत लाइट में उसमें ले रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है तो गाँव में कुछ नहीं होगा। तो ऐसा संभव नहीं है। जब ये रोग लगता है, संक्रमण होता है तो बहुत फास्ट होता है, और जब हो जाता है किसी परिवार के सदस्य को तब बड़ा चिंता होती है, हर इंसान को चिंतित हो जाता है। तो हर ब्लॉक में हमने हर जगह पर जाकर सरपंचों के माध्यम से ये संपर्क अभियान शुरू किया है ताकि हम वन जाग, आज भी हमने मैंने बताया आपको कि सरपंचों को यहाँ बुलाया हुआ है, DDPO साहब बैठे हैं यहाँ, तो उनको माध्यम से हम ये कहें कि भाई एक प्रकार से यहाँ हम मूवमेंट चलाएं, वहाँ पर लोगों को बताने का जो है अभियान चलाएं ताकि सब लोगों को ये कह सकें। विभिन्न टीम्स भी बनाई जाएगी, रेड क्रॉस को भी भेजा जाएगा, कोई NGOs हैं उनको भी वहाँ भेजा जाएगा, हर गांव में प्रोत्साहन के प्रोत्साहित उनको किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब जागरूकता पूरे सब लोगों में होगी, जब वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, हाथ धोएंगे, या फिर संक्रमण के बाद में सैंपलिंग करेंगे, खुद बताएंगे गाँव में अगर कोई बाहर से आता है तो खुद उसकी सूचना दें, उसके परिवार के दूसरे लोगों में मेल मिलाप से पहले ही हमें सूचना दें, संक्रमण होने से पहले ही। तो इस प्रकार की एक कमेटी बनाई है, जागरूकता लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हर स्तर पर गांव से लेके, शहर से लेके, मार्केट कमेटी से लेके, SHC से लेके, NGO सभी लोगों के हर स्तर पर जागरूकता ला कर के ही हम इसको, संक्रमण को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक पाएंगे। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं।